हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के सी शोर इंग्लिश के बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द जंगल बुक। तो इसका अभी हम आज पार्ट वन पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे नाम है जंगल बुक, यानी कि किसी बुक का नाम रखा गया है, ठीक है। तो जंगल का मतलब फॉरेस्ट। अब पढ़ते हैं इस फॉरेस्ट में कौन कौन रहता है, इस कहानी में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं कि लेट्स कनेक्ट में क्या दिया है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम ए स्मॉल एनिमल, मैं एक छोटा जानवर हूँ और मुझे मीठा पसंद है खाना। और मेरे सिक्स लेग हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंड। एंड का मतलब चींटी। आई एम ए काइंड ऑफ बियर, मैं एक टाइप का बियर हूँ यानी कि भालू। और मैं बेम्बू को खाता हूँ और मैं या तो ब्लैक कलर का होता हूँ और व्हाइट कलर का होता हूँ, दोनों कलर का होता हूँ, उसको बोलेंगे पैंडा। पैंडा भी तो उसकी तरह लगता है बियर की तरह। आई लिव इन द वाइल्ड एंड लुक लाइक अ डॉग, मैं जंगली हूँ और मैं कैसा दिखता हूँ, डॉग की तरह। आई आई हाउल, यानी कि मैं क्या करता हूँ, आवाज करता हूँ, जैसे होती है ना वो वुल्फ की आवाज होती है, तो उसको वुल्फ ही बोलते हैं। आई हंट इन पैक्स, और मैं हंट करता हूँ पैक्स यानी कि झुंड में। आई कैन स्विम, पैक्स किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स को बोलते हैं स्टूडेंट। आई कैन स्विम एंड हैव अ हार्ड सेल, मैं तैर सकता हूँ, मेरा हार्ड सेल है और मैं मूव करता हूँ साइडवेज, और मेरे एट लेग है, उसको बोलेंगे क्रैब। आई लिव इन द फॉरेस्ट एंड आई हैव एंटलर्स, आई ईट ग्रास, पीपल हंट मी डियर, जैसे कि आपने देखा उसके एंटलर्स रहते हैं बड़े बड़े सिंह। आई एम ब्लैक एंड आई कैन फ्लाई, मैं ब्लैक हूँ और मैं उड़ भी सकता हूँ। आई स्लीप ड्यूरिंग डे, यहाँ पे एट नाइट तो नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका बैट होना चाहिए, वो बर्ड नहीं है, और ये ड्यूरिंग डे क्या होती है, स्लीप होती करती है, तो इसको बोलेंगे बैट, जिसको बोलते हैं चमगादड़। तो ये रात को उड़ते हैं ना, तो यही है, ये काले कलर का होता है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं चैप्टर। इट इज अ स्मॉल वन एक्ट प्ले, ये एक प्ले है स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द टेल्स फ्रॉम द जंगल बुक। और ये किस पे है बेस्ड, किस पे आधारित है, टेल यानी कि कहानियां। कहानियां किसकी, जंगल बुक से। जंगल बुक में बहुत सारी कहानियां होंगी, आपको इस चैप्टर में उनमें से एक कहानी के बारे में दिया गया है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट ये वन एक्ट प्ले है, प्ले का मतलब जिसको कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर उसमें बन के इसको कर सकते हैं, नाटक, इस नाटक को कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं सीन फर्स्ट। It all begins on a warm evening when the silence of the jungle is broken by an unfamiliar sound, the wailing of a young one. The cries of hunger are unmistakable, whether of man or of beast. शुरुआत हो रही है वार्म इवनिंग से, थोड़ा गर्म शाम है, जब क्या है जंगल में साइलेंस, और साइलेंस है, उस साइलेंस को कौन तोड़ रहा है, एक अनफेमिलियर साउंड, एक अनजान सी आवाज जिसको कोई नहीं जानता। द वेलिंग ऑफ ए यंग वन, यानी कि कोई चिल्ला रहा है जोर जोर से, कोई यंग वन का मतलब कोई छोटा ही बच्चा है, उसके चिल्लाने की आवाज आ रही है, उस जंगल की शांति को कौन भंग कर रहा है। द क्राइज ऑफ हंगर आर अनमिस्टेकेबल, और भूख, जैसे भूख लगती है तो ये क्या है, एक गलती भी नहीं है, तो हो सकता है ऐसा लग रहा है, मतलब वेदर ऑफ मैन और ऑफ बीस्ट, या तो ये किसी जानवर की है या ये किसी आदमी की है। तो स्टूडेंट ऐसे करके सीन फर्स्ट शुरू हो रहा है इस चैप्टर का। तो इसमें है दो वर्ल्ड आ रखे हैं, रेड लाइट के, रेड लाइट में हाई कलर, हाई लाइट होके, तो इसमें है अनफेमिलियर, अनफेमिलियर का मतलब अनजान, वो आवाज किसी ने पहले सुनी नहीं थी। वेलिंग का मतलब चिल्ला रहा है कोई, और यंग वन की आवाज आ रही थी यानी कि किसी छोटे बच्चे की आवाज आ रही थी। तो पढ़ते हैं कि कौन है वो छोटा बच्चा। बगीरा द ब्लैक पैंथर, इस पिक में दिख रहा है ना आपको ये बगीरा, बगीरा इसका नाम है, ब्लैक पैंथर है इसका, ब्लैक पैंथर बोलते हैं जिसे। वेयर इज दिस वेलिंग कम फ्रॉम, ये आवाज, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। अ बर्ड ऑन ए ट्री, देख जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि एक बर्ड है, वो ट्री पे बैठी है, वो कह रही है, फॉलो द क्राइज बगीरा, यू विल सून फाइंड आउट, आप तुम अगर इसको फॉलो करोगे, यानी कि तुम इस आवाज को सुनोगे सुनोगे उसको फॉलो करोगे, उसके पीछे पीछे चलोगे, देखोगे कि आवाज कहां से आ रही है बगीरा, तुम्हें खुद ही मिल जाएगा कि ये कहां से आ रही है। ये किसने कहा, जो ये बर्ड है ना ट्री पे बैठी हुई, उसने कहा, बगीरा को रिप्लाई किया। बगीरा, why it is a man cub, it must be fed soon or it will die, क्यों, ये एक मैन कब है, यानी कि मैन का बच्चा, it must be fed soon, या तो ये मर जाएगा। बगीरा takes the man cub and leaves it outside the den of the wolves, जो बगीरा है वो उस मैन कब को कहां ले गया, डेन की, डेन के बाहर छोड़ दिया उसने, किसके डेन के बाहर छोड़ दिया, वोल्व्स के डेन के बाहर छोड़ दिया, किसने, बगीरा ने। तो आगे क्या है स्टूडेंट,
सीन सेकंड। अब सीन फर्स्ट तो यहां तक खत्म हो गया, जहां पे बगीरा ने किसी बर्ड को पूछा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो उसने बोला अगर तुम इस आवाज को फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद बगीरा ने क्या किया, जब उसने देखा कि ये क्या है, मेंढक है, तो उसने उसको कहाँ छोड़ दिया, वो उसके डेन के बाहर। अब शुरू होता है सीन सेकंड। प्ले में स्टूडेंट सीन होते हैं अलग अलग, एक बंद, एक क्लोज होता है एक सीन और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे सीन में क्या है, मदर वुल्फ इज बिजी विद हर फोर कब्स। जो मदर वुल्फ है वो बहुत बिजी है अपने चार बच्चों के साथ। वाइल रामा द फादर, और रामा उन बच्चों का, चार बच्चों का फादर है, इज ऑल सेट टू गो फॉर हंटिंग व्हेन दे हियर द अर्थ शेकिंग रोर ऑफ ए टाइगर। और जो फादर है रामा, वो हंटिंग के लिए जाने वाला था, जब उन्होंने सुना कि अर्थ शेकिंग का मतलब कुछ हिलने डुलने की आवाज आ रही है, रोर का मतलब दहाड़ रहा है टाइगर। इट इज नॉट जस्ट एनी टाइगर, इट इज शेर खां। अरे ये तो कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं, मुझे लग रहा है शेर खां है। द टेरर ऑफ द जंगल, जंगल जिससे डरता है। लुकिंग आउट ऑफ द केव, फादर वोल्फ एंड मदर वोल्फ सी समथिंग ब्राउन क्रॉलिंग टूवर्ड्स दियर केव। और जब उन्होंने अपनी केव से बाहर देखा, अपनी गुफा से बाहर देखा, तो जो फादर वोल्फ है और जो मदर वोल्फ है, उन्होंने देखा कि कुछ ब्राउन कलर का, क्रॉलिंग का मतलब रेंगते हुए उनकी केव की तरफ आ रहा है। मदर वोल्फ क्या कह रही है वैसे देख के, नाउ व्हाट वुड दैट बी आई वंडर, ये अब ये क्या हो सकता है, मुझे तो हैरानी हो रही है इसे देख के। क्विक फादर वोल्फ ब्रिंग इट टू मी, और उन्होंने कहा, उसने कहा कि फादर वोल्फ इसको जल्दी से मेरे पास लाओ, जो कुछ भी ये दिख रहा है मैं हैरान हूं उसे देखकर, इसे जल्दी से मेरे पास लाओ, ये मदर वोल्फ ने कहा फादर वोल्फ को। फादर वोल्फ ने क्या कहा, इट लुक्स लाइक अ मैन कब टू मी, मुझे तो ये कोई मनुष्य मतलब आदमी का बच्चा लगता है ऐसा है। मदर वोल्फ हाउ सॉफ्ट एंड कडली ही इज, कितना कोमल है ये, और इसको तो गले लगाने का मन करता है। सडनली द केव गोज डार्क, और एकदम से जो केव है वो डार्क, यानी कि उसमें अंधेरा छा जाता है। अब अंधेरा क्यों छाता है, शेर खान ग्रेट हेड एंड सोल्जर्स फिल द एंट्रेंस। शेर खान यानी कि वो शेर खान यानी कि जो टाइगर, उसके हेड और सोल्जर की छाया पड़ती है, तो इस वजह से उनका जो केव है वो डार्क हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे रेड कलर की हाईलाइट में जो ये वर्ड है, इसका मतलब है हगेबल, यानी कि गले लगाने योग्य, यानी कि मदर फोर्थ ने कहा कि जो ये मैन कब है, ये तो बहुत सॉफ्ट है और इसको तो गले लगाने का मन कर रहा है। तो अब हमने ये पढ़ा है कि जो केव है वो टोटली क्या हो गई, डार्क, यानी कि अंधेरा छा गया है। क्यों, क्योंकि शेर खां के बहुत बड़े हाथ और कंधे फिल द एंट्रेंस, यानी कि जहां से वो एंटर कर रहा है उस तरह, वहां से वो एंटर कर रहा है, तो इसलिए उनकी केव में छाया पड़ी। तो ये देखिए यहाँ पे उनको मैन कब दिखा है, और फादर वॉल्फ मदर वॉल्फ उनको देख रहा है, और यहाँ पे है शेर खां, द टेरर ऑफ जंगल। फादर वॉल्फ व्हाट डू यू वांट, फादर वॉल्फ ने कहा शेर खां को, तुम्हें क्या चाहिए। शेर खां, आई वॉज हंटिंग अ मैन कब, मैं ये जो मैन कब है इसकी, इसका शिकार करना चाहता हूँ। सीइंग मी हिज पेरेंट्स रैन ऑफ, और मुझे देख के उसके पेरेंट्स भाग गए हैं। आई हर्ड द कव वेलिंग क्लोज बाय, मैंने इस कब को सुन लिया था जब ये जोर जोर से चिल्ला रहा था, बट कुड नॉट फाइंड हिम, पर मैंने इसको क्या नहीं किया, पा नहीं सका इसको, मैं ढूंढ नहीं पाया। आई सी यू हैव टेकन हिम, और मैंने देखा कि तुम लोगों ने इसको अपने पास रखा गया है, इसको मुझे दे दो। किसने कहा, शेर खान ने कहा, फादर वोल्फ और मदर वोल्फ है वहां पे, ने कहा गिव हिम टू मी, मुझे इसको दे दो, इसे मुझे दे दो, ठीक है। फादर वोल्फ द कब इज अवर्स नाउ, फादर वोल्फ ने कहा ये जो कब है ये हमारा है। शेर खान, हाउ डेयर यू गिव मी द मैन कब एट वंस, तो शेर खान ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे दो इस मैन कब को, और एक बार इधर पकड़ा दो, इधर मुझे दे दो, यानी कि जो फादर वोल्फ है वो नहीं चाहते हैं उस मैन कब को देना उस शेर खां को, यानी कि उस टाइगर को। और शेर खां है तो वो कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की, इसको मुझे लाओ, मुझे दे दो इसको, मुझे मेरे हवाले कर दो इस मैन कब को। तो स्टूडेंट ये है शेर खां, और उनके जो केव के अंदर जा रहा है, और ये मैन कब है इसके लिए बोल रहा है वो कि ये मुझे दे दो तुम, और ये जो फादर वोल्फ है ये बोल रहे हैं नहीं। मदर वोल्फ द मैन कब इज माइन, ही शैल नॉट बी किल्ड बाय यू, ही विल लिव विद अस एज वन ऑफ अवर ओन कब्स, लीव अस अलोन एंड रिटर्न टू योर ओन पार्ट ऑफ द जंगल। मदर वोल्फ कह रही है जो ये मैन कब है ये हमारा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इसे मारो। He will live with us. वो हमारे साथ रहेगा, और हमारे जैसे हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं वैसे ही हमारे बच्चों की तरह हम उसको अपना बच्चा मानते हैं, और हमारे साथ रहेगा वो। Leave us alone. हमें छोड़ दो अकेला, और अपने उस जंगल में चले जाओ जहां से तुम आ रहे हो।
शेर खां, योर केव इज टू स्मॉल फॉर मी टू एंटर। तुम्हारी जो केव है वो बहुत छोटी है, मैं इसमें नहीं घुस सकता। बट रिमेम्बर आई शैल नॉट फॉरगेट, बट याद रखो मैं इस चीज को नहीं भूलूंगा। द मैन कब विल बी माइन वन डे, जो मैन कब है वो एक जरूर एक दिन मेरा होगा। मदर वुल्फ, वी वुडंट लेट द टाइगर कम नियर यू मैन कब, आई विल लुक आफ्टर यू एज माई ओन। मदर वुल्फ कह रही है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि वो टाइगर तुम्हें ले जा सके। हम तुम्हें जैसे अपने बच्चों को बचाते हैं उस टाइगर से, वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे, वैसे ही तुम्हें सेफ रखेंगे टाइगर की नजरों से। टाइगर तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। ग्रे ब्रदर, वन ऑफ द वुल्फ कब, और ग्रे ब्रदर कौन है, एक उनमें से कोई, उनमें से उनका कोई बच्चा है, वुल्फ कब है वो। व्हाट शैल वी नेम हिम, तो हम इसका नाम क्या रखें, जो ये मैन कब है हमारे साथ, हम इसका नाम क्या रखे, किसी वॉल्फ कब ने कहा अपनी मम्मी से। मदर वोल्फ, लेट्स कॉल हिम मोगली, और मदर वोल्फ ने उसका नामकरण कर दिया। व्हाट शी वुड गिव हिज नेम, मोगली। फादर वोल्फ, व्हेन ही ग्रोज अप ही विल हंट शेर खां, और फादर वोल्फ ने कहा जब वो बड़ा हो जाएगा वो क्या करेगा, शेर खां का शिकार करेगा। अभी शेर खां उसका शिकार करने आया था, बट वो जब बड़ा होगा तो वो शेर खां का शिकार करेगा। शेर खां कौन है, टाइगर। मोगली लाव्स इनोसेंटली, और जो मोगली है वो बिल्कुल इनोसेंट होके, बिल्कुल सिंपल होके, बिल्कुल बिल्कुल सीधा होके, सीधा ही था वो, और वो लाफ करने लग गया। ही नोज नथिंग एट ऑफ द एडवेंचरस ही विल हैव एज ही ग्रोस अप इन द जंगल, और उसको अभी ये नहीं पता है कि इस जंगल में जोखिम भरा अनुभव होगा उसका। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब बहुत ही एक्साइटेड होगा उस चीज को करने के लिए, उत्तेजित होगा। और यहाँ इस जंगल में जैसे कि अलग अलग जानवर रहते हैं, तो उसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब जिसमें हम रिस्क लेते हैं और उसके बाद उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज को फेस करके। ही विल हैव एज ही ग्रोज अप इन द जंगल, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे उसके लिए इस जंगल में बहुत सारे एडवेंचरस काम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। पार्ट टू हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ेंगे पार्ट टू में। और आपको ये कहानी समझ में आ गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियोस को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाऊंगी इसका दूसरा पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।